नमस्ते, मैं शौर्बानी। मेरे सहजे सुस्वादु चैनल में आपको हार्दिक स्वागत। खांबा आलू के साथ कतला मछली दे के एक कारी बनाऊंगी आज। बंगाली ट्रेडिशनल कारी है ये, कोई भी मसाला बिना इसे बनाऊंगी। स्टीम्ड राइस के साथ इसे खाया जाता है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। 1 kg खांबा आलू लिया, इसे छिलका निकाल लेंगे। छिलका को थोड़ा मोटा निकालना पड़ता है। बड़ा बड़ा टुकड़ा करके इसे काट लेंगे ताकि पिघल ना जाए। ऐसा मोटा करके छिलका निकालना पड़ेगा। आज मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी ताकि ये ज़्यादा पिघल ना जाए। 1 कटोरी में पानी लेके उसमें बड़ा टुकड़ा करके काट के भिंगो के रखना पड़ता है, नहीं तो ये काला हो जाता है। अभी इसे लेके हाई फ्लेम में रख के उबल लेंगे। 1 उबल आने के साथ ही इसे बंद कर देंगे, नहीं तो ज़्यादा पिघल जाएगा। उबल आने के साथ साथ इसे बंद करके तुरंत ही ठंडा पानी में दे के टैप के अंदर दे के इसे धो के लेंगे। 2 से 3 बार इसे अच्छा से रगड़ के धोना पड़ता है ताकि इसमें जो स्लिपरीनेस होता है वो चला जाए। मछली में हल्दी 1 छोटा चम्मच, नमक 1.5 छोटा चम्मच दे के मिला लेंगे। मछली 750 ग्राम लिया। कोई भी मीठा पानी का मछली से ये कारी बना सकते हैं, लेकिन मछली थोड़ा फ्रेश होना चाहिए। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर दे के, नमक हल्दी लाल मिर्च पाउडर दे के 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। 1 60 ग्राम वजन का टोमेटो राफली चॉप करके रखेंगे। खांबा आलू फाइबर के एक्सीलेंट एक सोर्स है। कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल से ये पकाने से इसे फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। सरसों का तेल का फ्लेवर इसलिए ज़रूरी है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसे मछली का जो स्केल का साइट है उसे तेल के ऊपर दे के फ्राई हो जाने के बाद पलट के तुरंत चम्मच से होल्ड करके रखने से बहुत अच्छा फ्राई होता है, मछली बेंड नहीं होता है। जो तेल है उसी तेल में ही जीरा 1 छोटा चम्मच, 2 तेज पत्ता भुनने के बाद टोमेटो को ऐड करेंगे। टोमेटो अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद आलू को ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार हल्दी 1 छोटा चम्मच दे के इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक ना तेल निकल के आता है। तेल निकल के आया है कढ़ाई में, अभी इसमें पानी ऐड करेंगे। 750 ml पानी ऐड किया, इसे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होता है। हाई फ्लेम में रख के ढक्कन लगा के उबल आने तक अपेक्षा करेंगे। 1 उबल आ गया है, अभी थोड़ा चला के मछली को ऐड करेंगे। थोड़ा चलाना पड़ता है ताकि नीच से कढ़ाई का ये स्टिकी ना हो जाए। ढक्कन दे के हाई फ्लेम में रख के ही इसे पकाएंगे। बीच बीच में इसे चलाना पड़ेगा। खांबा आलू में पोटाशियम एवं मैंगनीज रहने से हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है
और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। हरा मिर्च ऐड किया और धनिया पत्ता को भी अभी ऐड करेंगे। खंबा आलू का करी ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है, इसलिए करी थोड़ा पतला रखना पड़ता है। देखिए आलू अभी तक पूरा बॉयल नहीं हुआ। अब एक छोटा चम्मच धनिया और एक छोटा चम्मच जीरा, इसे ड्राई रोस्ट करके रखेंगे। ड्राई रोस्ट करके ठंडा होने के बाद इसे पाउडर बना लेंगे। तब तक देखिए पूरा आलू अच्छे से बॉईल हो गया, लेकिन ज़्यादा पिघल भी नहीं गया। अभी वो पाउडर मसाला को ऐड करेंगे। रोस्टेड मसाला पाउडर देने के बाद फ्लेम को बंद करके 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम में रखना पड़ेगा। 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम में रख के इसे स्टीम्ड राइस के साथ सर्व कीजिए। मैं यहाँ पे ग्रेटफुल हूँ आपने मेरे रेसिपीज को पसंद किए हो, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब किए हो। धन्यवाद।